मुंबई की सबसे बड़ी खबरों में आप सबका आज यहां पर स्वागत है। आज की ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, मुख्यमंत्री ने फिर लॉकडाउन लगाने का संकेत दे दिया। उन्होंने कहा प्रतिबंधों में ढील जा रही है, अगर कोरोना वायरस के आंकड़े बढ़ते हुए मिलेंगे तो एक बार वापस से लॉकडाउन लगाने का फैसला ले सकती है सरकार। आज की ताज़ा खबर निकल कर आ रही, देश में 24 घंटों के अंदर 39,000 कोरोना के नए आंकड़े सामने देखने को मिले, वहीं महाराष्ट्र में 6,000 के आसपास और मुंबई में 300 के आसपास आंकड़े। आज की ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आए, केरल और अन्य राज्यों में बढ़ रहे कोरोना वायरस के आंकड़े, दूसरी लहर में 80,000 मरीज ऑक्सीजन बेड पर थे, पीक आने पर हमें फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है, सरकार ने दिया फैसला। लोगों ने से लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की घोषणा, दो डोज ले चुके 19 लाख मुंबईकरों को मिलेगा लोकन में अनुमति, 15 अगस्त को अनुमति मिल गया उन्हें लोकन में सफर करने के लिए। महाराष्ट्र सरकार जल्द ही एक ऐप लॉन्च करेगी, स्मार्टफोन वाले इस ऐप के जरिए टिकट ले सकते हैं। दुकानों को लेकर लेटेस्ट अपडेट निकल कर, दुकानों को रात के 10 बजे तक खोलने की अनुमति मिल गई, अगर आंकड़ों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिलेगा तो वापस से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर मुंबईकरों को लोकन में सवारी करने की अनुमति दे दी, 15 अगस्त से कर सकते सवारी। आज की ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही, मुंबई महाराष्ट्र में वह फिर से बढ़ रहे कोरोना वायरस के आंकड़े, अगर आंकड़ों में सुधार देखने को मिलेगा नहीं तो सरकार जल्दी फैसला का लॉकडाउन लगाया जा सकता है। सिनेमाघर और मॉल को लेकर लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा है, जैसे ही आंकड़ों में सुधार देखने को मिलेगा सरकार जल्द ही फैसला लेगा और इन्हें भी 50% क्षमता के साथ इनको भी खोलने की अनुमति मिल जाएगी, रेस्टोरेंट अभी भी बंद ही रहेंगे। आज की ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बाढ़ से भारी तबाही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।